नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल ज्ञान मसीहा में हमारे तरफ से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का अगर घटनाएं होती रही तो मेरे ख्याल से बहुत ही हमारे समाज को गलत डायरेक्शन मिलने वाला है। उसी एक छोटी सी मुद्दा पे हम बात करेंगे जो कि आज मीडिया में बहुत ही छाए हुए हैं। ये है कहानी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, ऐसे पति पत्नी की कहानी जो कि हमारे समाज को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर तथाकथित, अगर हम ये नहीं कह सकते हैं श्योर, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक बोले तो जो कि मीडिया में चल रहा है, जो कि चारों तरफ फैला हुआ है सनसनी, जो कि हमें खबर देखने को मिल रहा है, आपको बता रहा हूँ, ये एक निचोड़ बता रहा हूँ कि हमारा समाज इस तरह के घटनाओं से किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारे देश की महिलाएं इस तरीके से, हमारे देश की बीवियां, अगर हमारे देश की बेटी, हमारे देश की बहनें अगर इस तरह के चाल चरण अपने चरित्रहीनता पे उतर जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, जो कि कोई भी, चाहे पति हो, चाहे वो कोई पिता हो, चाहे कोई भाई हो, है ना, वो अपने बेटी पे, अपने बहनों पे, अपने बीवियों पर भरोसा करेगा, चाहे कोई भी हो। मैं एक की बात, सिर्फ एक ज्योति मौर्य का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे जो भी हमारे समाज में, आप लोगों को पता हो जाए, जो हमारे समाज में चल रहा है, आए दिन तलाक का दर इतना बढ़ जा रहा है कि मेरे ख्याल से हर 100 में 70 तो 80 ही, मतलब ऐसा है 20 तो तलाक तय दिख रहा है। और ज़्यादातर ये शहरों में हो रहा है ज़्यादातर, और गांव में तो अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे इस तरह का परिवेश रहा है तो हमारे गांव में भी देखने को बहुत जल्द रेशियो ज़्यादा मिलेगा, है ना। रेशियो तो है, ऐसा नहीं है, उसका भी देहातों में भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा कम है। तो इस तरह का माहौल क्रिएट जो हमारे देश में हो रहा है, जो कि वेस्टर्न कल्चर डेवलप हो रहा है, तो मैं अपने देश की, हर राज्य की बहनों से, बेटियों से और जो भी है उनसे यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप अपने खुद से चरित्रहीन ना बने। आपको, आपका सबसे बड़ा अपना अनमोल धन है आपका चरित्र। हमारे देश का परंपरा रहा है, हमारा देश का कल्चर रहा है कि हमारी देश की बहू, हमारी देश की बेटियाँ, जो हमारे देश के कल्चर को एक मधुर पार्ट है कि एक के ही हमेशा होके रहती है। अभी जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चक्कर जो हो रहा है ना, ये इसके वजह से सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो मैं यही, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप अपना जो सबसे बड़ा अनमोल धन आपके पास है, आपका चरित्र, आप अपना चरित्र ना गिराएं। जो आप प्यार मोहब्बत ये बोल रही है, एक आपका चरित्रहीनता के सिवाय कुछ नहीं, सिर्फ आपके अंदर हौस बन रहा है और कुछ नहीं। आप अपने आप को अपनी नज़र में खुद गिरा रही है। कुछ दिनों के बाद जब, जैसे ही आपका उम्र ढलेगा, आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने गलत करा। जो आपके लिए दिन रात एक करके सब कुछ करा, आप उसी को धोखा दे रही हैं, चाहे वो आपका पति हो या आपका भाई हो या आपका पिता हो। मैं एक सिर्फ ज्योति मौर्या की बात नहीं कर रहा हूँ, उन तमाम लड़कियों का भी बात कर रहा हूँ जो अपने पिता की इज्जत को, मैं एक पगड़ी बांधा हुआ हूँ, आपको बता दूँ, ये पगड़ी इज्जत का निशान ही होता है। एक आप बाप की बेटी हैं और किसी के साथ रंगरलिया मना रही, सोचिए, आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस काम को करने से पहले कि हमारे पिता पे क्या गुजरेगी अगर उसको पता चलेगा, हमारे भाई पे क्या गुजरेगी अगर उसको पता चलेगा। हालांकि भाई ही हैं जो कि दूसरे के बहनों को ऐसा कर रहे हैं, तो उनको एक तो एक बार ये चीज़ सोचना चाहिए, है ना। तो उनको सोचे वो ना सोचे, लेकिन सबसे हमारा समाज जो है सबसे पहले उंगली उठाता है हमारे लड़कियों पे, औरतों पे। तो हम इस समाज को बनाए रखने के लिए, आपको बता दूँ, आप उन सारी हमारे बेटियों से, बहनों से नम्र निवेदन है कि आप अपना खुद से अपना चरित्र ना गिराएं, है ना। क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपको, जैसे ही आपकी उम्र ढलेगी, आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मैं बहुत गलत थी, बहुत ही बहक गई थी। तो आप इस बहकावे से बचें और अपना कल्चर को बचाए रखें, अपने चरित्र को बचाए रखें, तो बेटर होगा, आपका आने वाला कल बेटर होगा, आपका आने वाली संतानें आप पे थूकेगी नहीं। तो आपको बता दूं कि अगर आपका रवैया, आपका कल्चर आपको अपने नज़र में गिराता है, तो आपके आने वाला संतान आपसे भी कहीं बदतर होगा,
आप उसको कुछ चाह के भी नहीं कर सकती, आप उसको सुधारने की तो बात छोड़िए, आप सुधारने के बात कह नहीं सकती, क्योंकि उलट के आपको उल्टा मुंह कह सकता है कि आप अपना तो देख लो एक बार, अपने गृहबान में तो झांक लो, चाहे आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो। अभी एसडीएम का बात करूं, अभी जो आलोक मौर्या है, आलोक मौर्या ने पढ़ा के अपनी बीवी पे भरोसा करके पढ़ाया, दिन रात एक करके कर्ज लेके पढ़ाया, और आज उसकी बीवी किसी और के साथ रंगरलिया मना रही है। तो बताइए इस घटना से कहाँ तक ये घटना मतलब कितने पतियों को आहत करेगा। इस घटना को देख के आपको बता दूं साहब कि हमारे भारत के जितने भी पतिया हैं इस तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पढ़ाने का दूर, जो पढ़ाने के लिए, जो आगे पढ़ाने का तो दूर, जो पढ़ाने के लिए भेजे हुए वो लौटा रहे। अभी बता रहा हूँ कि इलाहाबाद से 153 महिलाएं वापस चली गई, उनके पति बुला लिए। हमारे खान सर एक पढ़ाते हैं पटना में, उन्होंने उनके सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन से 93 महिलाएं को घर वापस बुला लिया, सिर्फ एक घटना से। सोचिए, तो सिर्फ ये एक घटना नहीं है, रियलिटी भी है। सिर्फ एक ज्योति मौर्या की कहानी नहीं है, एक आरती की कहानी नहीं है। अभी आरती का कुछ दिन पहले आपने देखा था, उस तरह की बेटी क्या करेंगे कोई बाप, है ना, उस तरह का बहन क्या करेगा कोई भाई, इस तरह का पत्नी क्या करेगा कोई पति, है ना। तो मैं बता दूं कि हाथ जोड़ के सभी हमारे देवियों से निवेदन है, जो भी बेटी है, जो भी बहन है, जो भी पत्नियां हैं, आप अपने घर की मर्यादा है, आप अपने घर की इज्जत है, कृपया करके उन लोगों के लिए जो आपके लिए दिन रात एक करके आपको अपना आंखों का तारा बनाए हुए हैं, आपको अपना इज्जत समझते हैं, तो आप उनके पगड़ी को नीचे गिरने ना दें, है ना, अपने वजह से। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो के माध्यम से एक का भी एक भी सुधरती हैं तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।